हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोग हमारे एक नए वीडियो में, और कोलकाता में भी आपका स्वागत करता हूँ। फाइनली बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है बैंकॉक का। ये इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहली बार मैं कोलकाता भी आया था और पहली बार कोई ट्रिप पे भी जा रहा हूँ। सबसे पहले की बात यह है कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ उससे, ट्रेन से, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो थी ट्रेन, बहुत भीड़ था और टिकट कन्फर्म भी नहीं था, मेरा वेटिंग था, क्योंकि 10 दिन पहले मैंने बुकिंग कराया था लेकिन हुआ नहीं था। फ्लाइट टिकट भी ले लिया था इसलिए फिर डिले नहीं कर सकता था, तो वैसे ही आना पड़ा। खड़ा हो गया आया मैं 17 घंटा बिहार सिवान से कोलकाता, और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाया, और अभी तक नहीं था टाइम, क्योंकि कोलकाता में मैं नया था और यहाँ पे आते आते मुझे जो है बहुत टाइम लग गया। लास्ट में एक बाइक राइडर मुझे मिला, उसको मैंने हायर किया, फिर 150 रुपये लगे, 140 रुपये लिया भाई ने, लेकिन मुझे एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे लाके छोड़ दिया भाई। लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, बारी बारी चीज हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा, A to Z, जो कैसे वीजा ऑन अराइवल, क्या क्या फॉर्म में भरा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ आपको, आज 13 मार्च है, मतलब 14 मार्च समझ लो आप, 14 मार्च 2023 को मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना क्या क्या अभी लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है रोज जो थाईलैंड में हर दिन एक नया नया रूल आ रहा है, तो वीजा ऑन अराइवल के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को मैं हर चीज़ दिखाऊंगा अभी कि अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे। और एक चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग बिहार से हैं, सिवान से या गोपालगंज, बिहार के किसी भी जगह से, तो आप लोग कोलकाता से यार नहीं आओ 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। फ्लाइट भी मेरा मिस होने वाला था, लेकिन जैसे भी हुआ अभी मैं हूँ, अभी फ्लाइट थोड़ी दूर है और बैंकॉक भी लग रहा है पहुंच ही जाऊंगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से बैंकॉक। वेलकम टू बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और स्पाइसजेट फ्लाइट थी, काफ़ी अच्छी फ्लाइट थी ये जेट एयरवेज के बाद मुझे दूसरी फ्लाइट जो है अच्छी लगी, जो उनके क्रू थे काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी उनका अच्छा बिहेवियर था, इस तरह का बिहेवियर मुझे दिखा था जेट एयरवेज में। चलिए, वीजा ऑन अराइवल फॉर्म मेरे पास आ चुका है और देखते हैं क्या क्या लगता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, बाकी सारी चीज़ तो है मेरे पास, रिपोर्ट होते हैं या एंट्री मिलता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, वीडियो में बने रहिए। तो फिर बात होती है एंट्री मिलने के बाद या रिपोर्ट होने के बाद। भाई ऑलमोस्ट मैं रिपोर्ट ही था लेकिन बच के निकल गया हूँ यार, वीजा ऑन अराइवल मिल चुका है और मेरे सामने 8-9 लोगों को ये लोगों ने डिपोर्ट कर दिया। रीजन ये हो सकता है क्योंकि दूसरे लोग मुझसे बोल रहे थे कि उनके पास डमी टिकट था, कोई बोल रहा था उनके पास रिटर्न कोई फ्लाइट का टिकट ही नहीं था। तो भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अगर आओ तो रिटर्न टिकट लेके आओ, डमी टिकट बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये लोग चेक कर लेते हैं, अगर इनको करना है तो चेक कर लेंगे। और बाकी 2200 थाई बात लगा, लेकिन मुझे एक स्लिप दिया उन लोगों ने, इस पे 2000 ही मेंशन है, 200 बात या स्पैम है क्या मुझे पता नहीं है, लोग बोलते हैं चोरी करते हैं, बट कोई बोलता है कि नहीं कोई टैक्सेस वगैरह है जिस उस पे मेंशन नहीं है, ये स्लिप पे मेंशन नहीं है। और अगर आप लोगों को ऐसा एक वीडियो चाहिए जिसपे मैं सारा एक्सप्लेन करूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक वीडियो में अगर कमेंट करके बताना, आप लोग अगर आप लोगों को चाहिए तो इत्मीनान से रूम में बैठ के मैं 2-4 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा क्या क्या चाहिए। बाकी मैं एग्जिट कर रहा हूँ इस एयरपोर्ट से अभी, और मुझे एक सिम लेना है और सिम ले लूंगा मैं इसी एयरपोर्ट से। बाकी वहां पे देख सकते हैं एक सिम का काउंटर लगा हुआ है भाई, यहाँ पे सिम कार्ड बहुत महंगा है यार, उससे अच्छा है कि मैं बाहर से ले लूंगा, 300 बात, 400 बात, 500 बात, 600 बात, वो भी 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए, तो क्या फायदा, उससे अच्छा चलते हैं बाहर देखेंगे। तो भाई तीसरी वीडियो का वेट करना, और तीसरी वीडियो में मतलब आप लोगों को कुछ इंटरटेन करूंगा, और मेरा चैनल BGS अंसारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चाहे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी। मिलते हैं आपसे तीसरी वीडियो में।